इंदौर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है सनावदिया। आसपास की पहाड़ियां इस गांव की खूबसूरती को और बढ़ाती हैं। यहीं पर एक स्थान है जिसका नाम है किरीदर्शन। यहीं पर संचालित होता है जिम्मी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस सेंटर की निदेशिका हैं डॉक्टर श्रीमती जनक पल्टा मगिलिगन, जिन्हें उनके उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए हाल ही में पद्मश्री अलंकरण देने की घोषणा की गई है। दीदी के नाम से मशहूर श्रीमती जनक पल्टा ने वेब दुनिया को न सिर्फ अपने सामाजिक कार्यों के बारे में बताया बल्कि अपने लंबे संघर्ष की दास्तान भी सुनाई। मैं चंडीगढ़ में थी 15 साल की जब मुझे पता चला कि मेरे को बहुत सीरियस ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है और बताया गया था कि मेरी जिंदगी सिर्फ 6 महीने और है, ज्यादा से ज्यादा बहुत आखिरी स्टेज पे। तो मुझे 1 साल अस्पताल में भर्ती रखा गया और 9 महीने जितने भी लोगों की वो ओपन हार्ट सर्जरी हुई उनमें से कोई भी बचा नहीं। तो मैंने सबकी डेड बॉडी पैक होकर जाती देखी तो मुझे लगता था कि बकरे की माँ अपनी भी खैर नहीं। तो ईश्वर ने लेकिन मुझे ये जीवन फिर से दिया, मेरी सर्जरी कामयाब हुई और मैंने जब मुझे होश आ रहा था उस समय ईश्वर से कहा था कि आपने मुझे नया जीवन दिया है, इसको मैं आपका धन्यवाद देने में लगाऊंगी। तभी से 1965 से चंडीगढ़ से मैंने ये तय कर लिया था कि मेरे जीवन में मुझे केवल धन्यवाद ही ईश्वर को देना है और क्लियर नहीं था। लेकिन उस बीच में मैं पढ़ती रही, काम करती रही, छोटे मोटे सेवा के कार्य करती रही और 1980 में मुझे जब बहाई धर्म, मैं काफी स्वतंत्र खोज करती रही कि मुझे कैसे करना है ये काम और मैं बहाई धर्म के संपर्क में आई और मैंने बहाई धर्म को अंगीकार किया, तब मुझे स्पष्ट हो गया कि मुझे सेवा कार्य करने हैं और मैं भारत के बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में गई थी। जब मैं इंदौर आई तो इंदौर मुझे बहाई सेंटर में जमीन थी खाली बहुत सारी, तो कहा गया कि मैंने पूछ लिया कि ये क्या क्या है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ तुम्हारे जैसी महिला का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं वहां से चंडीगढ़ छोड़कर अपना रिसर्च फेलो की जॉब छोड़कर मैं यहाँ आ गई और मैंने आके बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान के माध्यम से उसकी स्थापना की। उसकी स्थापना करके उसको 26 साल मैंने सेवा दी, 3 साल मैं अकेली थी। उसके बाद मेरे पति श्री जिमी मगिलिगन यूके छोड़ के, वो भी एक बहाई थे, आके मेरे साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला के उस संस्थान को आगे बढ़ाया और हम दोनों ने मिलकर ये बरली संस्थान में 6000 आदिवासी लड़कियां जो भारत के 500 पिछड़े क्षेत्रों से आई थी उनको हमने समग्र विकास का प्रशिक्षण दिया जिससे वो अपना अपने समुदाय अपने परिवार अपने अपना अपने परिवार का जो विकास करते हुए अपने समुदाय में जाके सेवा दे सके। तो इस प्रकार से उनको प्रशिक्षण दिए और आज वो लड़कियां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, वो सौर ऊर्जा आगे ले जा रही हैं, बहुत सेवाएं दे रही हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि हम बरली संस्थान में पाठ्यक्रम बना पाए ओरिजिनल और 6 महीने के बाद ऐसी लड़की जो कभी स्कूल नहीं गई थी वो नेशनल ओपन स्कूल का एग्जाम पास करती है और वो एक सशक्त महिला हो जाती है। वो लड़कियां आजकल गवर्नमेंट टीचर हैं और बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छी देश की नागरिक हो गई हैं। और ये एक यात्रा और मेरे पति ने और हम दोनों ने मिलकर बरली संस्थान में पहला सोलर किचन बनाया मध्य प्रदेश का और फिर 5 और सोलर किचन बनाए। तो उसके बाद 500 सोलर कुकर आदिवासी गांव में गए जहां पर महिलाएं उनसे आजीविका कमा रही हैं, घर पे बैठे नमकीन बना रही हैं, कुछ मिड डे मील बना रही हैं, इस तरह के काम कर रही हैं, कोई सोलर टी स्टॉल चला रही है धार जिले में। तो ये सब कर रहे थे। फिर हमने ये तय किया कि हम लोग, मैं चंडीगढ़ छोड़ के इंदौर आई और बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान की स्थापना की और सेवा दी वहां उम्र भर। उसके बाद फिर हमने ये तय किया कि हमारा समय रहते हम उस संस्थान को किसी अच्छे लोगों को तैयार करके, तो एक युवा जाधव योगेश और ताहिरा उनको हमने तैयार करके वो संस्थान सौंप के और वहां से सेवानिवृत्त होके हम लोगों ने ये गांव सनावदिया में आके एक जो वहां सीखा 26 साल में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लड़कियों को तैयार किया। और हमने सोचा हम अंतिम समय भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के
काम को ही आगे बढ़ाते हुए गांव में ये एक घर बनाया जो मेरे पति ने अपने हाथ से बनाया है। और यहाँ पर ये सौर ऊर्जा का पावर स्टेशन, विंड पावर स्टेशन दिल्ली कॉलेज के साथ मिलके RSIS एक वर्ल्ड का है बच्चों का ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ मिलके बनाया। और यहाँ पर सब कुछ सौर ऊर्जा से चल रहा है। और हमने यहाँ एक ये छोटा सा मॉडल पेश किया है, प्रस्तुत किया है पिछले 4 साल में। ये एक पत्थर की टेकरी थी जिस पर आज हम एक आदिवासी परिवार, वो लड़की भी जो हमने जिसको वहां ट्रेन किया और उसके पति, आज वो सारा यहाँ का सारा काम देख रहे हैं। वो भी तैयार कर दिए गए हैं, गांव के युवा तैयार हो गए हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ। तो ये 1 एकड़ जमीन हमारे मित्रों की हमारे पास है जिसमें हम सब कुछ जैविक उगाते हैं और उसका सारा फूड प्रोसेस करते हैं। इसी तरह से सौर ऊर्जा के ऊपर सब काम होता है। यहाँ पर जो एक मॉडल है जिसमें हमने जैविक खेती और जैविक सब कुछ, दालें मसाले सब जो भी हमें चाहिए, और यहाँ पर ना तो हम कचरा करते हैं, 100% जैविक करते हैं, गोपालन करते हैं, और यहाँ पर सोलर से सारी फूड प्रोसेस करते हैं, सोलर से खाना बनाते हैं। और हम एक वैकल्पिक ऊर्जा का जो बनाते हैं, ब्रिकेट्स वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पूरी तरह से साथ, मैं 4 लोगों का आदिवासी परिवार और गाय और केड़ी, हम 7 लोग यहाँ पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं। मुझे बाजार नहीं जाना पड़ता, नमक, तेल, शक्कर और चाय पत्ती, 4 चीजें मैं खरीदती हूँ। और यहाँ से ना प्लास्टिक का यूज करते हैं इस, यहाँ लगातार ये घर मेरा व्यक्तिगत घर है जिसको मैंने मेरे पति के नाम समर्पित कर दिया है, जिन्होंने भारत में सेवाएं दी और पूरा जीवन उन्होंने सौर ऊर्जा के, वो पहले अग्रणी थे इस क्षेत्र में, और उन्होंने ये सब कुछ बना के अकस्मात एक सड़क दुर्घटना में चले गए, लेकिन वो ये सारा मॉडल बना के गए हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो बत्तियाँ वो जला गए हैं, जो रोशनी वो शुरू कर गए हैं, उसको मैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ाती रहूँ और शेयर करती रहूँ, दे जाऊँ सब कुछ लोगों को। ऐसा नहीं हो कि ये मैं चली जाऊँ और किसी को पता नहीं चले। तो यहाँ पर स्कूलों के बच्चे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, किसान, औरतें सब आते हैं। इसी तरह अभी हमने जैविक सेतु को के साथ जुड़कर जैविक सेतु का शुरुआत की है, जिसमें किसान अपनी जैविक चीजें बेचते हैं और जिनको जैविक चाहिए वो वहाँ खाने के लिए मिल जाता है। तो एक ऐसा वातावरण भी बन गया है कि अब काफी लोग उत्साहित हैं, जो कम से कम 20,000 युवा अलग अलग कॉलेजेस के, इंडिया के अलग अलग भागों में से भी आके और विश्व के भी कई देशों से आके पिछले 4.5 साल में यहाँ सीख के गए हैं। और लगातार मैं ये निशुल्क ट्रेनिंग देती हूँ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करती हूँ। पद्मश्री की उपाधि की घोषणा के बाद मैं अभिभूत हूँ, ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, भारत सरकार का धन्यवाद करती हूँ, और मैं बहुत विनम्र महसूस करती हूँ कि ये पुरस्कार उन सभी आदिवासी लड़कियों का है, उन सभी लोगों का है, इंदौर के मीडिया का है, जिन्होंने हर काम को लोगों तक ले गए। और ये जिम्मेवारी की बात, मेरे को ये लगता है कि जिम्मेवारी तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन मैंने बहुत जल्दी ही 26 तारीख को घोषणा हुई है और कल 29 तारीख को ही मैं पोटलोद गांव, अपनी जो लोकसभा की अध्यक्षा हैं हमारी माननीय सुमित्रा ताई, वो उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी सौंप दी है कि पोटलोद गांव, जो भारत सरकार ने आदर्श गांव सांसद के प्रतिनिधि के होने नाते उसको विकसित करना है, उस गांव में मैं गई और कल मेरी वहां के लोगों और महिलाओं से बात हुई और मैंने वहां अपनी निशुल्क सेवाएं देने के लिए अर्पित किया है। और ईश्वर चाहेगा तो उसमें योगदान देने का सोच रही हूँ, और जो यहाँ ये चल रहा है सतत ये भी चलता रहेगा। और ईश्वर से मांगती हूँ और ये भी कहती हूँ कि मुझे उसने हार्ट सर्जरी से बचाया, 2007 में कैंसर से बचाया, 4 सर्जरीज हुई, और उस कार से भी बच गई जिसमें मेरे पति चले गए एक्सीडेंट में, मैं भी बैठी थी उसमें,
तो ये सब होने के बाद जीवन का मकसद एक ही समझ आया है कि हम मरेंगे कैसे, ये चॉइस हमारे पास नहीं है, लेकिन जीना कैसे है केवल इतना ही हम चॉइस कर सकते हैं। और ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उसने जीवन दिया फिर से 3 बार, और इतने संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों के बाद मेरी हिम्मत भी ईश्वर ने दी है और सभी लोगों ने दी है, जिसके कारण ये सब कर पाए हूँ। धन्यवाद।